हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पे आज फिर से एक छोटा सा प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, जो कि है एक ज्योमेट्री बॉक्स का प्रोडक्ट। और पीछे से आ रही है कबाड़ी वाले की आवाज़, तो यहाँ पे आप इसको कबाड़ा मत समझना, पर ये बहुत ही अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है। तो चलिए इस पूरी ज्योमेट्री बॉक्स को चेकआउट करते हैं कि आखिर कैसे खुलती है, कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे है। तो पूरा का पूरा ज्योमेट्री बॉक्स को जो है यहाँ पे ओपन करके चेकआउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है एक पूरी की पूरी स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर की ज्योमेट्री बॉक्स। यहाँ पे ये उसका ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाफ पार्ट जो है यहाँ पे ड्राइवर सीट के लिए बना हुआ है, एंड बाकी का पार्ट यहाँ पे जो है पैसेंजर्स के लिए है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है वेलकम स्पेस पास। यहाँ स्टार्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपका जो है ये उड़न तश्तरे टाइप समथिंग कुछ बनी हुई है जो कि स्पेस में जाती है। स्टार्स हैं यहाँ पे, प्लैनेट्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये है एक एस्ट्रोनॉट, जो कि पूरा व्हाइट कलर का ड्रेसअप है, और यहाँ पे इसने ग्लव्स भी पहन रखे हैं। और इसका पूरा फेस जो है यहाँ पे पूरा कवर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेके गया है। ये है बस की पूरा कंडक्ट, जो आपकी साइट है, जहाँ पे आपको पैसेंजर की सीट दिख रही है। यहाँ पे आपको वेलकम का एक डोर दिख रहा है, यहाँ पे भी स्पेस पास लिखा हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 विंडोज़ बनी हुई हैं, जहाँ पे पहले में आपको एक पैंडा मिल रहा है, नेक्स्ट में भी आपको जो है यहाँ पे आपके ऐसे कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो कि स्पेस में जाती हैं, और यहाँ पे भी एक पैंडा है। और इसके पूरे के पूरे लुक में आपको सेम कलर, यानी कि स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर दिख रहा है। यहाँ पे सेकेंड साइड में भी सेम पिक्चर आपको दिख रही है। अगर इसके नीचे आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे व्हील्स मिल रहे हैं। दो व्हील्स आपके आगे हैं और दो व्हील्स आपके पीछे बने हुए हैं, जिससे आप इसको आराम से चला भी सकते हो। ये देखिए कितना आराम से जो है ये आपका पूरा आप आराम से चला सकते हो। ओके सर, यहाँ पे इसको ओपन करें, उससे पहले इसका फ्रंट व्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये ड्राइवर सीट है, जहाँ पे एक पैंडा बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी सेम पैंडा यहाँ पे दिख रहा है। और ये है इस पूरे ज्योमेट्री बॉक्स का सामने से लुक, जिसमें आपको जो है ये दो आपके मिरर्स में आपको यहाँ पे दो आइज दिख रही हैं, और इसके जो है ये दो गाल से दिख रहे हैं, जो कि हेडलाइट यहाँ पे है आपकी, और यहाँ पे इसकी नोज़ में भी एक लाइट है येलो कलर की, और इसका फेस पूरा स्माइली स्माइली हैप्पी हैप्पी दिख रहा है। यहाँ पे ये आपको एक स्टॉप का भी बटन दिख रहा है, इसका क्या यूज़ है इसको भी पहले चेक करेंगे, लेकिन पहले ज्योमेट्री बॉक्स आप खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ये दो साइड्स आपको ओपन मिल रही हैं। सबसे पहले अगर नीचे वाली साइड में ओपन करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है इतना स्पेस मिल रहा है, जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे भी स्पेस बस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका एस्ट्रोनॉट छपा हुआ है, एंड यहाँ पे भी आपकी टेबल्स लिखी हुई हैं 1 to 9 तक की। तो यहाँ पे पूरा आपका काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। इससे ऊपर अगर आप जाओ अपना सेकेंड कंपार्टमेंट में, जो कि ऊपर का कंपार्टमेंट है, इसमें आपको दो अलग कंपार्टमेंट मिल रहे हैं, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हो। इसमें आप अपने इरेजर, शार्पनर, पेंसिल की जो छोटे पेंसिल्स हैं वो सब रख सकते हो, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा लेंथ में कम है, वहीं इससे नीचे वाला एरिया लेंथ में ज़्यादा है। तो इसमें आप अपने बाकी पेंसिल, आपकी जो है या फिर पेन वगैरह रख सकते हो। अगर आप स्पेस देखो, तो यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्पेस पास, और यहाँ पर आपका एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, और ये बहुत ही प्यारा से यहाँ पर अगर आप साइड लुक पर देखो, तो कितनी अच्छी जगह आपको यहाँ पर मिल रही है। ओके, इसको बंद कर देते हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है वेलकम 662, जो कि यहाँ पे इसका नंबर भी, नंबर प्लेट भी मेंशन है 662 और -26। अब देखते हैं कि इसके आगे का पार्ट क्या करता है। यहाँ पे आपको एक स्टॉप का बटन दे रखा है, इसको अगर आप ओपन करोगे यहाँ से इजीली, तो आपको जो है यहाँ पे आपका पेंसिल शार्पनर मिल रहा है, जिसमें आप अपनी पेंसिल को डाल करके शार्पन कर सकते हो, और जितना भी कचरा होगा वो इसमें सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब आप सोचोगे कचरा तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन खुलेगा कहाँ से? तो उसके लिए आपको यहाँ पे इन दोनों व्हील्स को पकड़ना है, और इस तरीके से अपनी तरफ जो है यहाँ पे आपको खींच लेना है, और ये जो है आपका पूरा शार्पनर ऐसे बाहर आ जाएगा। इसके अंदर आप स्पेस देखोगे तो कितनी सारी स्पेस है, जस्ट लुक एट दिस। तो आपका जो भी कचरा होगा वो आराम से इसमें बहुत सारा कलेक्ट होने के बाद आप खाली कर सकते हो, बहुत सारा आपको जो है आराम से महीने डेढ़ महीने में आप इसको खाली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको वापस आप जो है ऐसे लगा सकते हो, और ये आपका पूरा दोबारा से ये बस बनके रेडी हो जाएगी। तो कैसे लेके बस, जरूर मुझे बताइएगा। इट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।